फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर। रिजिंका या अल्फला एक बहुमुखी जड़ी बूटी है। इसकी जड़ें जमीन से 20 से 30 फीट नीचे तक होती है, क्योंकि यह उन्हें वह खनिज लवण प्राप्त होती है जो धरती की सतह पर नहीं मिल सकती। आयुर्वेदिक अल्फला का प्रयोग एक टॉनिक के रूप में किया जाता है। बीमारियों से ठीक होने के बाद या प्रसव के बाद कमजोरी को दूर करने के लिए अल्फला का प्रयोग किया जाता है। साथ ही अल्फला में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई तथा विटामिन के अधिक मात्रा में पाया जाने के कारण यह गुदा की समस्या, ऑर्थोराइटिस, यूरिन संबंधित समस्या, कोलेस्ट्रॉल व अन्य कई समस्याओं से लाभदायक सिद्ध होती है। तो आइए हम जानते हैं कि अल्फला से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हड्डियों को मजबूत करे। अल्फला में विटामिन, मिनरल व अन्य पौष्टिक तत्व से भरपूर होता है, जिससे हड्डियों को मजबूत बनने में व ताकत देने के साथ उनका विकास में भी मदद होती है। गठिया उपचार में फायदेमंद। गठिया रोगी से परेशान लोग अल्फला का प्रयोग कर सकते हैं। अल्फला में हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक मिनरल अधिक मात्रा में होते हैं। अल्फला के बीजों से बनी चाय का सेवन भी गठिया के रोग में फायदेमंद साबित होता है। मधुमेह। अल्फला के नियमित सेवन से मधुमेह की बीमारी में लाभ होता है। यह खून में से शुगर के स्तर को संतुलित रखने में काफी प्रभावशाली होता है। गुर्दे की पथरी में लाभदायक। गुर्दे में पथरी है तो अल्फला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फला में पाए जाने वाले विटामिन ए, सी, ई और जिंक किडनी की पथरी को गलाकर मूत्र द्वारा बाहर निकालने में मदद करती है। गंजापन दूर करे। अगर गंजेपन और बालों के झड़ने को लेकर परेशान है तो अल्फला का रस, गाजर का रस और लेट्यूस का रस रोजाना पिए। इस मिश्रण को विशेष रूप से बालों के विकास तथा बालों को झड़ने से रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्या। अल्फला में क्लोरोफिल गुण होने के कारण इससे फेफड़े और साइनस के कारण होने वाली समस्याओं के निवारण के लिए उपयोग में लाया जाता है। कैंसर। आहार में अल्फला शामिल कर कैंसर के खतरे को रोका जा सकता है। इसमें कैनवानिने नाम का एनिमो एसिड पाया जाता है, जो कैंसर की घटना को रोकने के लिए जाना जाता है। पाचन समस्या में लाभदायक। अल्फला पाचन समस्याओं के उपचार में कारगर है। पेट की समस्या, गैस, पेट में अल्सर, अपाच्य, सूजन, मतली आदि समस्याओं को अल्फला के सेवन से रोका जा सकता है। अल्फला अंकुरित भी अपने उच्च फाइबर सामग्री वह वजन से पुरानी कब्ज के उपचार में भी उनकी प्रभावशीलता है। हृदय संबंधित समस्या। अल्फला रस के रूप में धवनी की समस्या और दिल की बीमारियों में बहुत प्रभावी पाया जाता है। अल्फला के केवल ताजा पत्ते का ही रस इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। अल्फला के ताजे पत्ते का रस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप गाजर के रस के साथ मिलाकर इसे पिए। इससे दोनों के गुण आपको मिलेंगे। तो मैंने आज आपको अल्फला के फायदे के बारे में बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।